दोस्तों IPL साल 2023 का सीजन शुरू होने में बाकी है अभी काफी सारा समय, बट उससे पहले मिनी IPL जो कि साउथ अफ्रीका में होने वाला है उसके लिए सभी टीम्स काफी सारी अपडेट सब अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो आप एक्सक्लूसिव इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर देख सकते हो। दोनों के लिंक और यूजर नेम आपको नीचे मिल जाएगा, तो जाकर जल्दी से फॉलो कर लो। बात करेंगे KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में, और टीम KKR की दिन भर में काफी सारी अपडेट्स बाहर निकल कर आ रही है। और अब दोस्तों ऐसा क्या है टीम KKR में जो दूसरी टीमें टीम KKR से यहाँ पर कॉपी करने वाली है, तो सब कुछ बताने वाला हूँ। सारी A to Z इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको यहाँ पर KKR से रिलेटेड मिलेगी। आज की अपडेट्स के रिगार्डिंग वीडियो काफ़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए देखना आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक। दोस्तों अगर आप भी हैं IPL के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा IPL की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने रिसेंटली ADKR और TKR के नए स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है, यानी TKR तो ऑलमोस्ट वही है, ADKR नया है। आप कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको लगता है और कौन सी लीग्स के अंदर टीम KKR अपनी एक और फ्रेंचाइजी ले सकती है। टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट आ रही है हेड कोच को लेकर। सो दोस्तों पहले स्पॉट पर हेड कोच की न्यूज जाने का नाम ही नहीं ले रही है, और आज शायद लगातार पांचवा दिन होने वाला है हेड कोच की पहली अपडेट लेकर आए हैं हम। दोस्तों ये अपडेट बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग सी होने वाली है। टीम KKR पिछले कुछ सालों में दूसरी टीमों को कॉपी करती थी इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग एंड प्रमोशन, और यही कारण है टीम KKR फैन बेस में काफ़ी पीछे रह गई क्योंकि उनका खुद का कुछ होता नहीं था। बट अब दोस्तों पहली बार लग रहा है कि टीम KKR ने कुछ अच्छा किया है, हेड कोच चंद्रकांत पंडित को ऐसा डोमेस्टिक जो यहाँ पर कोच थे उनको बना दिया है। तो यार इसी को देखते हुए जो किंग्स इलेवन पंजाब और यहाँ पर जो कि अब पंजाब किंग्स हो चुकी है और जो सनराइजर्स हैदराबाद है, उन दोनों ने अपने कोचेस को फायर कर दिया है। सो यार अब आपको क्या लगता है क्या होने वाला है कोचेस? दोस्तों यही तो टीम यही जो चीज़ है वो कॉपी कर रहे हैं दूसरी टीम टीम KKR से। उन्होंने एक इंडियन कोच नहीं बनाया, उन्होंने एक डोमेस्टिक इंडियन कोच बनाया, और इंडियन इंटरनेशनल जैसे अनिल कुंबले भी थे बट वो भी एक डोमेस्टिक कोच ढूंढ रहे हैं, बट दोस्तों चंद्रकांत पंडित की टक्कर में कोई नहीं है। और दोस्तों ये सबसे अच्छी बात टीम KKR ने कर दी कि जो बेस्ट ऑप्शन था वो ले लिया। अब दूसरी टीमों को या तो कोई इंडियन टीम का ही बनाना पड़ेगा या फिर दोस्तों ऐसा करना पड़ेगा कि कोई ओवरसीज ही लाना पड़ेगा, क्योंकि बेस्ट तो टीम KKR के पास है ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि अगर चंद्रकांत पंडित KKR में नहीं होते तो क्या किसी और टीम के हेड कोच वो बन पाते या फिर किसी भी टीम के नहीं बन पाते। अगली अपडेट निकल कर आ रही है ओपनर्स को लेकर। सो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ हमने कल एक स्पेशल वीडियो डाली थी जिसमें हमने ओपनर का एक स्पॉट तो कन्फर्म बता दिया था, वो एक स्पॉट कन्फर्म हो चुका है वेंकटेश अय्यर के नाम का, और दूसरे स्पॉट जो कि ओवरसीज होने वाला है तो वहाँ क्रिस लिन का नाम जो हम आपको काफ़ी टाइम से बताते आ रहे थे उसको आप ऑलमोस्ट कैंसिल मान लो। यहाँ पर दोस्तों दो ही नाम अभी सबसे आगे चल रहे हैं, पॉल स्टर्लिंग और एलेक्स हेल्स। देखते हैं दोनों में से कौन बाजी मारता है, बट उम्मीद करेंगे जो भी हो वेंकटेश अय्यर का फॉर्म रहे, साथ में साथी ओपनर का फॉर्म रहे, तो फिर साथ में कोई भी हो धमाका ये राइटी लेफ्टी या लेफ्टी लेफ्टी की जोड़ी कर देगी। आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो टीम KKR की ओपनिंग पेयर क्या होनी चाहिए। लास्ट अपडेट आ रही है विकेट कीपर को लेकर। सो दोस्तों एक बार फिर से टिम सैफर्ट हमें TKR के अंदर रिटर्न करते हुए देखने को मिले हैं, बट क्या ये वापस कोलकाता के अंदर आ सकते हैं? दोस्तों ऐसा बताते हुए एक मेंटोर ने एक एनालिस्ट ने बताया कि अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं TKR में जो कि हर साल देते हैं तो टीम KKR इनको कंसिडर कर सकती है, बट एक कंडीशन है, तब सैम बिलिंग जो काफी अच्छा खेल रहे हैं उनको बुरी परफॉर्मेंस देनी होगी। तो खैर दोस्तों आज के लिए यही अपडेट्स थी, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।